अपने डेब्यू सीजन में बेस्ट डिफेंडर बने। इस सीजन के नंबर वन डिफेंडर अब बन चुके हैं मोहम्मद रजा शादलू। सीजन 9 में भी जमकर दिखाया अपना जलवा। शादलू ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं। रेडिंग के बड़े बड़े सुरमा भी इनसे मांगे पना। शादलू आज टांग लगा रहे हैं। चैंपियन जैसे एटीट्यूड वाला ईरानी हीरो मोहम्मद रजा शादलू, इस नाम को कभी कोई भूल नहीं पाएगा। मोहम्मद रजा शादलू जैसे जोशीले टैलेंट को 2,35,00,000 में खरीद कर पुणे ने अपनी पहली ट्रॉफी की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा दिया है। Yours, Pune Ripalton, at 2 crore and 35 lakh. Well done. और अब बारी है एक बार फिर खुद को साबित करने की। शादलू, अद्भुत खिलाड़ी हैं आप। पिछली बार टाइटल से चूक गई पुणे को क्या पहला टाइटल दिला पाएंगे शादलू? अद्भुत खिलाड़ी है। चलिए आपको दिखाते हैं शादलू के वो करिश्माई टैकल्स जो फैंस अब तक भूल नहीं पाए होंगे। दसवां पॉइंट, पांचवा सुपर टैकल, शादलू अद्भुत खिलाड़ी है। टू पॉइंट मोहम्मद रजा शादलू, आज की रात 5 सुपर टैकल, और यह वीवो प्रो कबड्डी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक मुकाबले में किसी खिलाड़ी ने 5 सुपर टैकल लगाए हैं, और इस कीर्तिमान के हकदार हैं मोहम्मद रजा शादलू। वापस पटना पायरेट्स ने अपने आप को रिवाइव किया था। 5 का डिफेंस, नवीन लगातार शादलू के सामने, मौका मिल गया शादलू को। मोमेंटम पूरी तरह से पटना के पक्ष में जा रहा है। पहले गुमान 2 पॉइंट लेकर आए मंजीत और किशन को बाहर किया, अब शादलू ने उस गरम लोहे पे हथौड़ा मारा है। जो नवीन ने किक मारी थी उसको एक डाइविंग टैकल में परिवर्तित किया है। 3 खिलाड़ी बचे थे। शादलू ने हिसाब बराबर किया। पटना वाले इनको शादीलाल कहते हैं कि अब ये पटना के वासी हो गए हैं। शादलू और नीरज की अलग ही जंग शुरू है। निशांत, एक समय जैसे नवनीत गौतम और अनूप कुमार की जंग हुआ करती थी। डिफेंस ने पिछली बार भी बोनस लाइन खुली छोड़ी थी, इस बार भी शादलू ने दूसरी बार प्रदीप को आउट किया। यूपी योद्धा को ऑल आउट किया। यूपी योद्धा की उड़ान पर रोक लगाकर ना ही सिर्फ ऑल आउट किया योद्धा को, बल्कि मोहम्मद रजा शादलू ने अपने वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 के करियर का एक और हाई फाइव कंप्लीट किया। इस सीजन का चौथा हाई फाइव आज उन्होंने पूरा किया। प्रदीप ने पहली बार इनको आउट किया था, उसके बाद ये 2 बार प्रदीप को आउट कर चुके हैं। आज भी हाई फाइव के करीब है। इनका हाई फाइव हो गया है। मोहम्मद रजा शादलू, पहला सीजन, 8वां हाई फाइव। ईरान का नया सुल्तान मोहम्मद रजा शादलू चियाने, नाम याद रख लीजिएगा। बड़ा शिकार यहां पर पवन सहरावत को, पीछे से इनके थाइस पे अटैक किया। रेड में आ पहुंचे हैं आशु मलिक, सामने है सुपर टैकल सिचुएशन। टीम है पटना पायरेट जो डू और डाई रेड में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है। अपने डुओ टाइम में अच्छा करती है, या डिफेंस भी किया। तीसरा सुपर टैकल, 2 पॉइंट पटना पायरेट्स। अब ये पॉइंट शायद शादलू को जाए ना जाए, पहला टच किसका हुआ है? अगर ये शादलू का टच है तो इनका हाई फाइव पूरा। शादलू का ही पहला टच है तो 3 सुपर टैकल शादलू ने। सिद्धार्थ देसाई 600 पॉइंट की दहलीज पर सेकंड फास्टेस्ट रेडर होंगे, लेकिन पहली रेट में शादलू। शादलू ने कमाल किया, पहली रेट पर एंकल होल्ड किया। और यही आज रात की जंग होने वाली है, शादलू बना बाहुबली। रेडर आउट, 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। और यहां चोट लगातार उनकी टीम को मिल रही है।
क्योंकि टाइटंस का डिफेंस चल नहीं रहा। इधर मोहम्मद रेजा चिया ने फॉर्म में आ गए हैं, दूसरी बार राकेश गौड़ा को बाहर किया है। जब डिफेंस सेट होता है टीम जीतती है, इसीलिए शादलू ने बदला लिया, एंकल होल्ड किया। रेड राउंड, वन पॉइंट पटना पर। ये जंग देखने में मजा आएगा निशांत, अर्जुन बनाम शादलू। बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। और ये जो किक किया था, जो लो किक था, उसको पकड़ लिया। और ये देख सकते हो आप, बहुत ही एडवांस। ये देखिए काम यहां पर तमाम हुआ, आउट हुई। लेकिन जाते जाते बोनस, आप जानते हैं हर रेडर लेकर के जाता है तो बोनस मिल गया, लेकिन अब फासला बड़ा हो गया 13-7। बोनस का चलिए एक पॉइंट जोड़ दीजिए। शादलू फाइनली काम साहिल की जगह खड़े रहे, दही की तरह जम गए थे। वो साथ नहीं मिल रहा जो सुरिंदर गिल के होने पे मिलता था। दोनों टीम को बेहतरीन प्रदर्शन शादलू का, और इस सीजन के नंबर वन डिफेंडर अब बन चुके हैं मोहम्मद रजा शादलू। 25-20 का स्कोर। और ये देखिए जिस तरह से संदीप नरवाल को झप्पी पा के बाहर भेजा था। शादलू तैयार है, नवीन तैयार है, शादलू बनाम नवीन की जंग में विसल बजी। शादलू ने बाजी मारी और सुपर टैकल। तो यंग सुपरस्टार्स की टक्कर में पहला मोर्चा मोहम्मद रेजा शादलू ने मारा है। पहले पॉइंट इस मैच में पटना पायरेट्स के, और सबसे बड़ी बात दोनों एंकल उन्होंने पकड़े, और साथ में नीरज ने और मोनू ने जो सपोर्ट दिया। जंप करने के लिए जाने जाते हैं अभिषेक, क्या यहां पर चेन के ऊपर से उछाल मारेंगे। ओ, बेहतरीन डैश शादलू का, बेहतरीन डैश। 30 सेकंड में जितना दौड़ता है कबड्डी का खिलाड़ी, अगर उसकी नपाई तुलाई की जाए तो किलोमीटर्स में आ जाएगा शायद। सुपर टैकल, दो पॉइंट शादलू को, और हाई फाइव इनका भी पूरा, दूसरा करियर का, दूसरा इसी सीजन का। सीजन वन था, पटना और यू मुंबा का मैच था। यू मुंबा की जर्सी में थे अनूप कुमार और पटना की जर्सी में थे पाकिस्तान के वसीम सज्जाद। पांच पॉइंट का अंतर है और शादलू बनाम रोहित गुलिया, जंग छिड़ी। किक लगाई थी लेकिन शादलू को कामयाबी मिली। सिर्फ दूसरा पॉइंट है ये शादलू का, लेकिन ये सुपर टैकल है। तो बेहतरीन प्रदर्शन शादलू का, पैरों पर गए, एंकल्स को मजबूती से पकड़ा। और जब कोई खिलाड़ी डैश होता है सीधा उनके कैमरा के लेंस की तरफ आता है। शादलू के नाम, क्या ये दो पॉइंट जाएंगे? रेड आउट, सुपर टैकल, टू पॉइंट्स पटना पायरेट्स। अगर ये सुपर टैकल के पहला टच शादलू का हुआ है तो वो अब अंकुश राठी से एक ही पॉइंट दूर है, और ये एक मील का पत्थर वो पार करना चाहते हैं। नवीन कुमार दो बार शादलू का शिकार कर चुके हैं, वही शादलू चार बार नवीन का शिकार कर चुके हैं। एक बार फिर से सुपर टैकल सिचुएशन में नवीन बनाम शादलू, और लगातार दूसरी बार सुपर टैकल सिचुएशन में शादलू ने नवीन एक्सप्रेस की रफ्तार पर रोक लगाई। सही मायने में अकेले शादलू दबंग दिल्ली को बड़ी लीड बनाने से रोक रहे हैं। दो बार सुपर टैकल सिचुएशन में, दोनों बार शादलू ने नवीन को आउट किया। फिर से नवीन आए हैं, फिर से शादलू सामने हैं। क्या इस बार नवीन बदला ले पाएंगे या नवीन को तीसरी बार शादलू आउट करने वाले हैं? एक और सुपर टैकल, शादलू आज आग लगा रहे हैं। लगातार चौथा सुपर टैकल शादलू का, तीन बार नवीन को सुपर टैकल में आउट किया, और शादलू का ये पहली हाफ में आठवां टैकल पॉइंट। मोहम्मद रजा शादलू, इस नाम को कभी कोई भूल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ भी मेन डिफेंडर है नीरज, वहीं जाइए रनिंग हैंड टच की ट्राई कीजिए, पर पीछा करेंगे आपका शादलू। इस बार नवीन क्या मिड लाइन क्रॉस करेंगे? जी नहीं, विसल बजी है क्या? पर टैकल पॉइंट, सुपर टैकल, सुपर टैकल। शादलू ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं, एक मैच में किसी भी डिफेंडर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 12 टैकल पॉइंट एंड काउंटिंग। शादलू अद्भुत खिलाड़ी हैं आप।
मोहम्मद रजा शादलू। और एक बार फिर से सुपर टैकल ऑन। शादलू आज की रात 6 सुपर टैकल कर चुके हैं, 2 रिकॉर्ड बनाए, एक खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा सुपर टैकल, और ये 7वां सुपर टैकल मोहम्मद रजा शादलू का, 14 टैकल पॉइंट। इस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड ऐसा बनाया है जो आने वाले कई सीजन तक शायद कोई ना तोड़ पाए। अच्छा हुआ कि विसल बज गई, वरना ये 14वां टैकल पॉइंट ना होता। पर शादलू आज हैदराबाद में कितने बिहारी हैं जिन्होंने इनको लिट्टी चोखा खिला दिए भर भर के। शादलू 8वां सुपर टैकल है, लिख लीजिए 16वां टैकल पॉइंट। रेडर आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट। 7 नहीं, 1 बिहारी सब पे भारी। मोहम्मद रजा शादलू, ना नवीन, ना आशु, ना मनजीत, ना विजय, कोई नहीं। जब शादलू सुपर टैकल करेंगे तो कोई उस पकड़ से बचकर बाहर नहीं जा पाएगा। मोहम्मद रजा शादलू और पुनेरी पलटन एक साथ एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इनका मिशन एक है, पीकेएल की ट्रॉफी। 2 दिसंबर से शुरू होगा पीकेएल का असली एक्शन।